देखिए, आप जानते हैं कि घाटी में किस तरीके से लगातार आतंकियों का सफाया किया जा रहा है, और आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिन हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। ये तस्वीर देखिए आप थोड़ी देर में, क्योंकि सुरक्षा बलों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी है। भारी मात्रा में आतंकियों के पास हथियार थे। 6 आतंकियों को कल ढेर किया गया था, और अब ऐसे में आप देखिए, ये भारत 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। ये भारी मात्रा में किस तरीके से इन्होंने जखीरा हथियारों का अपने पास रखा हुआ था, इनके क्या मंसूबे थे, ये समझ सकते हैं आप। पिस्टल, राइफल ये आपको दिखाई दे रही होंगी, यानी कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में ये आतंकी थे। लेकिन उससे पहले इन आतंकियों का खात्मा हमारी सेना ने कर दिया है, सुरक्षा बलों ने कर दिया है। आप देखिए, कुलगाम एनकाउंटर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी सेना की तरफ से, और क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी जाती है ये देखना होगा। तो कुलगाम में सेना के दोनों ऑपरेशन पूरे हुए, और ऐसे में 6 आतंकियों को ढेर सेना की तरफ से किया गया है। हालांकि अभी भी ये कहा जा रहा है कि कुछ हो सकता है कि आतंकी छिपे हो, स्थानीय आतंकियों के मौजूद होने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन हमारी सेना ये साफ कह चुकी है कि आतंकियों का चुन चुन कर सफाया करेंगे, घाटी से इनका खात्मा करेंगे, और ये सिलसिला देखिए थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब स्पष्ट यहाँ पर मैसेज है कि अगर किसी नापाक सोच के साथ इस तरह की हरकतें की जाती है तो उसका एक ही इलाज है, वो है खात्मा। ये देखिए, ये भारी संख्या में आपको AK-47 नजर आ रही होगी, पिस्टल्स नजर आ रहे हैं, मैगजीन नजर आ रही है। ये आतंकियों के पास से हथियार का जखीरा बरामद किया गया है। अब सवाल ये भी है कि आखिर ये इतने हथियार इन आतंकियों के पास कहां से आए, क्या ये सीमा पार से इनको मुहैया करवाया गया था। अब देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर हम आतंकी घटनाओं की बात करें तो 27 जून को डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ हुई थी। आपको याद होगा, सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया था। उसके बाद भी घाटी में ऑपरेशन चल रहा था। 9 जून को रियासी में बस पर अटैक किया था, श्रद्धालुओं पर यह अटैक हुआ था। उसके बाद आतंकियों को ढूंढा गया हमले में, क्योंकि तीर्थ यात्रियों से भरी बस खाई में गिर गई थी, क्योंकि ड्राइवर को सीधा निशाना बनाया गया था। फायरिंग आतंकियों की तरफ से की गई थी, और इस हमले में 9 लोगों की मौत हो गई थी। काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित उस वक्त लोग थे। इस हमले में 33 लोग घायल हुए थे। सबने इस हमले की निंदा की थी, और उसके बाद आतंकियों का खात्मे का जो सिलसिला था वो शुरू हो गया था। आतंकियों को ढूंढा जा रहा था। अब आप देखिए, ये जो भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं, ये कहाँ से आए, इनका क्या सोर्स था। अब क्योंकि इस एनकाउंटर पर, क्योंकि सुरक्षा बलों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानी, क्या जानकारी दी जाती है देखना होगा।